अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वाइजर प्रो हम कैसे अपने क्रोम में इंस्टॉल कर सकते हैं बगैर किसी पेमेंट के। हम फ्री इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं वाइजर प्रो को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, मगर वीडियो शुरू करने से पहले आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट वीडियो आप तक मिलती रहें। अगर आपने मेरी इससे पहली वीडियो नहीं देखी है कि वाइजर को आप अपने लैपटॉप में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे मोबाइल स्क्रीन अपने लैपटॉप में हम देख सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। पहले आप वो वीडियो देखें फिर इसको क्रैक करें। ये बेसिकली ये वीडियो है कि वाइजर प्रो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके फुल फीचर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, और वो वीडियो हम वाइजर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं अपना लैपटॉप। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए वेबसाइट मेरे सामने ओपन हो चुकी है, इस पर आपने क्रैक सॉफ्टवेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करनी है और सिंपली क्लिक ऑन इमेज फॉर डाउनलोड। वाइजर प्रो की इमेज भी आपने क्लिक करना है, आपको वो डाउनलोड के लिंक पे ले जाएगा और यहाँ से आपने वाइजर प्रो डाउनलोड करना है। देखिए वाइजर प्रो हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। इस फोल्डर को हम ओपन करेंगे। ये थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन है, अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना तो आपकी मर्ज़ी। इसमें आपने विंडो वाले फोल्डर पे जाना है और यहाँ पे आपने एवरीथिंग पे पहले क्लिक करना है। इसके ओपन होते ही बाद में आपने वाइजर प्रो पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं प्लीज़ डबल क्लिक द फाइल, जो फाइल आपको शो हो रही है पाथ इसका, इस पर सिंपली आपने डबल क्लिक करना है। और ये आप नीचे देख सकते हैं द फाइल हैज़ बीन पाथ्ड, ये आपका क्रैक हो चुका है। अब आपने सब इन सब को क्लोज करना है। अपने मोबाइल को मैंने अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब हम इसको वायरलेस कनेक्ट करेंगे, इसके लिए हमें गो वायरलेस पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं वायरलेस कनेक्ट हो चुका है। अब वो कह रहा है अपने मोबाइल से डाटा केबल आप डिसकनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए डिसकनेक्ट करते ही सिग्नल चलेगी, रीकनेक्ट की ऑप्शन, मगर हम इसे क्रॉस करेंगे और व्यूज पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा वायरलेस शो कर देगा। इसकी थोड़ी सी सेटिंग है, आप यहाँ सेटिंग भी कर सकते हैं, लो मीडियम हाई इसकी रेजोल्यूशन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपने इसको पिन टूल बार इस पर क्लिक करना है, आपने पिन टूल बार, ताकि आपका ये आइकॉन इधर टूल बार पे आपके शो हो, आप डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर सकते। ये कह रहा है फुल स्क्रीन मोड मस्ट बी एनेबल इन सेटिंग, हमें फुल स्क्रीन वाले ऑप्शन को भी क्लिक करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हमारी स्क्रीन फुल शो हो। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये वाकई वायरलेस कनेक्ट हुआ है या यूएसबी के साथ। आप देख सकते हैं कि मैंने अपने मोबाइल को डाटा केबल के साथ कनेक्ट किया है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि वायरलेस कनेक्ट हुआ है कि नहीं। ये देखिए डाटा केबल मैंने डिसकनेक्ट की है तो साथ ही ये सिग्नल चले गए हैं। अब मैं इसको वायरलेस कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगा।
आप ये देख सकते हैं कि USB डबिंग की ऑप्शन चली गई है क्योंकि ये वायरलेस कनेक्ट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉच। अल्लाह हाफिज़।